नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि एलटी ग्रेड के रिजल्ट का सभी छात्रों को इंतजार रहता है और आज भी एक रिजल्ट जारी हुआ। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया कि रिजल्ट जारी हुआ है, साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है। जी हाँ, जहाँ लोगों को साइंस का रिजल्ट जारी होने पर खुशी होनी चाहिए थी, हर रिजल्ट जारी होने पर खुशी होती है, लेकिन आज छात्र सब परेशान हो गए साइंस का रिजल्ट देखकर, क्योंकि साइंस का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में हड़कंप मच गई है। दो मुद्दे हैं यहाँ पे, एक कटऑफ का मुद्दा है और एक अग्रणीत वर्ड जो लिखा हुआ है उसके बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, इस तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर हमारी मिलती रहती हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज साइंस का रिजल्ट जारी हुआ और इस साइंस के रिजल्ट में पुरुष शाखा में 11,284 आवेदन थे, महिला शाखा में 4,152 अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। 571 रिक्तियां थीं पुरुषों की, 80 अभ्यर्थी केवल सेलेक्ट हुए और महिलाओं की 474 रिक्तियों के अगेंस्ट में केवल 4 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 150 अंकों की जो परीक्षा हुई थी, कुल 150 अंकों की परीक्षा हुई थी और 40% का कटाव जो इसमें था, तो उसके हिसाब से क्या 60 नंबर भी लोग नहीं लेके आ पाए इस परीक्षा में? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। 60 मार्क्स भी अगर लेके आते हैं तो इस परीक्षा के कटऑफ को पास करते हैं, लेकिन क्या 4,152 महिलाओं में से केवल 4 महिलाएं ही इस जादुई आंकड़े यानी कि 60 नंबर तक पहुंच पाई हैं? अब इसमें बात करें अगर कि क्या अलग अलग कट ऑफ थी, जैसे जीके की कट ऑफ अलग और सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग, तो 30 अंक का ये था कि अगर 40% इसके जोड़े जाएँ तो यहाँ पे 12 अंक होते हैं। क्या 12 अंक महिलाओं के नहीं आए? तो ऐसा माना जा सकता है कि ये हो सकता है कि 12 अंक ना आए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे रखी गई थी, क्योंकि जितने विषय के अभी तक रिजल्ट जारी हुए हैं, 8 के पहले 7 विषयों के जो रिजल्ट जारी हुए थे, उन विषयों के सिलेक्टेड लोगों से, बहुत से लोगों से के कॉन्टेक्ट में मैं हूँ और वहाँ पर लोगों ने बताया है कि जो जीएस या जीके के जो प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे, उसमें से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए थे, यानी कि उन छात्रों के 12 से भी कम नंबर आए। जब वहाँ 12 से कम नंबर आने पर सिलेक्शन हो रहा है बाकी विषयों में, तो यहाँ पर भी 12 से कम नंबर आने पर सिलेक्शन हो सकता है। तो सब मिला जुला कर बात फिर वहीं पहुँचती है कि क्या 150 नंबर में से 60 नंबर केवल 4 महिलाएँ लेकर आई हैं? 4,152 महिलाओं में से केवल 4 महिलाएँ 60 नंबर लेकर आई हैं? अगर महिलाओं की बात छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पुरुषों की बात करते हैं। 11,284 पुरुषों में क्या 80 पुरुष ऐसे हैं जो केवल 60 नंबर ला सकते हैं? क्या साइंस सबकी इतनी कमज़ोर है? ऐसा थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल लग रहा, क्या हुआ है इसमें, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत से लोग मेरे पिछले वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अग्रणीत का मतलब क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी उनके कमेंट का जवाब दिया है कि अग्रणीत का मतलब इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अग्रणीत कैरी फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है कि ये वैकेंसी जो है 470 पद जो है महिलाओं के और पुरुषों के 491 पद, ये अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, जिनकी हिंदी की मीनिंग अच्छी ना हो कैरी फॉरवर्ड वर्ड से यूज कर लें और उसको लागू करें। कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी रिजल्ट दोबारा आएगा, तो ये नहीं होता ऐसा कि रिजल्ट दोबारा आएगा। जब एक बार मेरिट बनाकर रिजल्ट जारी कर दिया गया तो दोबारा कैसे रिजल्ट आएगा, ये थोड़ी सी असंभव सी लगने वाली बात है। दोस्तों, ये मैंने वीडियो अपलोड किया था कि कैसे कैसा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए दीपिका श्री जी कमेंट कर रही हैं, सर इट्स इनकम्प्लीट रिजल्ट, सून आफ्टर अदर लिस्ट विल बी अपलोडेड, हैव कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है मैम, हो सकता है कि मेरे पास कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन आप कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर ही कमेंट किया कीजिए। कोई दूसरी लिस्ट जारी नहीं होने वाली है, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि भर्ती के जो पद हैं अगली भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे नेक्स्ट भर्ती में। ठीक है, और आप लोग इस चक्कर में मत रहें कि दोबारा रिजल्ट इसका जारी होगा। गीतेश मिश्रा जी कन्फ्यूज मत होइए। तो दोस्तों, ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।